शांति इसका मतलब क्या है? अभी ऐसा निर्गत जीवन में है, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मजदूरी से पैसा मिलता है, किसी से इज्जत नहीं मिलता, सबसे गाली मिलता है, बुद्धि बहुत पत्थर जैसा है, नालायक है, कोई भी काम के लिए नहीं, लेकिन अंदर भावना है, हे भगवान मैंने किए हुए पापों को मैं अभी फल भोग रहा हूं, मैं अच्छे काम में अपने को रखे, दूसरों को दुख ना दे, किसी का मन को मैं अशांत ना करे, मेरे से कुछ ना कुछ अच्छे काम हो, ऐसे भावना रखता है। तो अभी वो क्या जमा कर रहा है? पुण्य। अभी उसका रिजल्ट जो देखने में आया है वो किससे कनेक्टेड है? पिछले जन्म का पाप। तो कौन सा कैटेगरी में आ गया? पापानुबंधे पुण्य। समझ में? समझ में? तीसरा होता है पापानुबंधे पाप, बहुत खतरनाक डेंजर। पहले पाप किया है, उसको हाथ नहीं पांव नहीं, ऐसे वालों को देखा है? देखा है? फिर भी क्या करते हैं पता? पैसा जो मिलता है ना उससे बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बुरे काम में लगाते हैं, पान फराक डालते हैं, चोरी करने में मदद करता है, किसी को कुछ गलत काम में सहयोग देता है। तो इसका मतलब कौन से अखंड में जा रहा है? पापानुबंधे। ये हो गया ना। और अभी लास्ट है पुण्यानुबंधे पुण्य, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे नहीं कि पूरा लक्ष्मी लक्ष्मी मिल गया, लेकिन खाने के लिए तकलीफ नहीं, सोने के लिए तकलीफ नहीं, अपने जीवन के आवश्यकता के अनुसार मिला है, ये पुण्य का हिसाब से। और आगे आगे के लिए पुण्य जमा करने का भी जीवन मिला, वो सब है पुण्यानुबंधे पुण्य। अभी मुझे बोलो कौन कौन पापानुबंधे पाप में आते हैं, हाथ उठाओ देखेंगे। कौन कौन पुण्यानुबंधे पाप में आते हैं, हाथ उठा। कौन कौन पापानुबंधे पुण्य में आते हैं, हाथ उठा। कौन कौन पुण्यानुबंधे पुण्य में आता है, उठाओ जोर से। हम जैसे पुण्यात्मा इस संसार में नहीं, हमको बाबा मिल गया है रे, पुण्य का खाता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा अकाउंटेंट मिल गया हमको, हम पुण्यात्मा है। जाति दान की कहते हैं सफेद कपड़ा काली जो विश्व महाराजन, ये है पुण्यात्माएं, ये है पुण्यात्माएं। ऐसे नहीं समझो हमारे पास तो कार नहीं, हमारे पास तो बैंक में अकाउंट नहीं, हमारे पास तो कोई नकलीस नहीं, ऐसे नहीं। आपको अच्छा बुद्धि मिला, कौन सा बुद्धि? परमात्मा को पहचानने का बुद्धि। आपको कम से कम जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए काम पर पैसा मिल जाता है, किसी ना किसी का सहयोग मिल जाता है। आप अगर इधर आकर के बैठ करके ये ज्ञान का अमृत ले रहा है तो ये पुण्य नहीं तो क्या? दुनिया में ऐसे वाले हैं जो इधर पाँव रखने के लिए डरते हैं, क्योंकि उसके पास पुण्य की खाता ही नहीं। हम सब पुण्यानुबंध पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य भगवान के पास लेके आया है। हर रोज हमको पुण्यात्मा बनने का लक्ष्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, हमारे द्वारा प्रकृति पावन बनता है। आज की मुरली में आपने देखा लास्ट स्लोगन में जो इस संसार को सकाश देता है वो सब समस्याओं से दूर हो जाता है। कल हमने किया या नहीं किया? हमने जो होमवर्क किया वो हमारा टीचर चेक किया तो हम पास हो गया ना। अगर बाबा के नजर में नहीं तो वहां वाक्य ऐसे क्यों आता था? मुझे बहुत खुश हो गए,
कम से कम हमने आपको जो काम दिया था उसको हमने क्या किया, होमवर्क किया। तो हम सब कौन से आत्माएं, पुण्यानंद पुण्य। तो कभी क्वेश्चन नहीं रखो कि ये इतने पाप करते भी इसको सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, आज से वो बात खत्म करना है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये सब खत्म। ओनली क्या है, पुण्य को जमा करना। क्या जमा करना, पुण्य को जमा करना। तो हमसे भाग्यवान आत्मा कोई नहीं होता है, क्योंकि पुण्य का कुंजी, पुण्य का ताला, पुण्य का चाबी, पुण्य का भंडार, पुण्य का खाता जमा करने का विधि हमको भगवान ने